दोस्तों, अगर आपको आपके विचार, भावनाएं और व्यवहार को पूरी तरह से बदलना है और अपनी आत्मशक्ति को प्रचंड तरीके से बढ़ाना है तो एमी मौरी द्वारा लिखी गई किताब 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू, इसे जरूर पढ़ना चाहिए। हेलो दोस्तों, माय सेल्फ श्रीनिवास मराठे, फिर से एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन किताब की समरी लेकर। दोस्तों, ये जो किताब है इसमें जो 13 थिंग्स बताई है जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते हैं अपने लाइफ में और हमें भी नहीं करना चाहिए, इसे बहुत ही फास्ट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि पूरी किताब का ओवरव्यू आपको मिल जाए और आपका समय भी बर्बाद ना हो। तो बिल्कुल भी स्किप किए बिना कंटिन्यू इसे देखते रहिए दोस्तों। पूरे 13 थिंग्स मैं आपको बताऊंगा जो जिंदगी में आपको कभी नहीं करने हैं। सबसे पहला काम मेंटली स्ट्रांग पीपल, समझदार पीपल नहीं करते हैं और वो है वो अपने ऊपर अफसोस करने में समय बर्बाद नहीं करते हैं। दोस्तों, क्या आपको हमेशा ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी में दूसरों से ज्यादा समस्याएं हैं या फिर दूसरों को आसान जिंदगी जीने का वरदान मिला है? अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब यह है दोस्तों, आप उन लोगों में से हैं जो आत्मदया की पार्टी में शामिल होते हैं। लेखिका कहती है कि आम लोग आत्मदया का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करना होता है और बिचारा मैं का पत्ता खेलने से हमें लोगों की प्रशंसा और थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, लेकिन दोस्तों आपको पता है इस तरीके से अगर हम जिंदगी जीते हैं तो हमारी जिंदगी में समस्याएं और परेशानियां, निगेटिविटी और ज्यादा बढ़ती है और हमारी आत्मशक्ति पूरी तरह से क्षीण होने लगती है। दूसरा काम मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते हैं और वो है वो अपनी शक्ति दूसरों को नहीं देते हैं। दोस्तों, क्या आपको कोई अपमानित करता है या आपको आहत करता है तो क्या आप मन में गांठ बांध लेते हैं या किसी का निगेटिव फीडबैक आपसे सहा नहीं जाता है? अगर ऐसा है तो आप उन लोगों को शक्ति दे रहे हैं आपकी नींद खराब करने की, आपके भूख को खराब करने की और आपका रक्तचाप बढ़ाने की। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग पीपल होते हैं दोस्तों, वो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी से माफ कर देते हैं और उन्हें शक्ति ही नहीं देते हैं खुद को डिस्टर्ब करने की। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, समझदार लोग परिवर्तन से नहीं कतराते हैं। क्या आपको आरामदेह दायरे से बाहर कदम रखने का विचार बहुत डरावना लगता है? क्या आप कोई भी नई चीज करने में हिचकिचाते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जिंदगी में कभी भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और लेखिका कहती है कि आम लोग परिवर्तन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें दुख रहता है, अगर परिवर्तन करना है तो किसी पुरानी चीज को छोड़ना होता है और ये पुरानी चीज को छोड़ने का जो दुख है वो सह नहीं पाते हैं, वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और वो परिवर्तन करते ही नहीं है अपनी जिंदगी में। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग पीपल होते हैं दोस्तों, वो एक निश्चित योजना बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी में कंटिन्यूअसली परिवर्तन लाते ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं जिन्हें वो नियंत्रित नहीं कर सकते। दोस्तों, एक आप अच्छी पार्टी दे सकते हैं लेकिन उस पार्टी में मौजूद लोगों को कैसे महसूस हो ये आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उन्हें अच्छा भी महसूस हो सकता है, उन्हें बुरा भी महसूस हो सकता है। आप कमरे में सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन आपकी बात सामने वाला माने ही इसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। वो बाहरी तौर पर हो सकता है आपको मानने का दिखावा करे लेकिन हो सकता है वो अंदर से आपकी बात को पूरी तरह से इनकार कर रहा है। कुछ ऐसी बातें होती है दोस्तों जिंदगी में जिन्हें हम कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते और ऐसे चीजों पर कभी भी आपको अपनी ऊर्जा खत्म नहीं करनी है, अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो हर व्यक्ति को खुश करने की चिंता नहीं पालते हैं। आपकी राय विपरीत होने के बावजूद भी क्या आप लोगों के हां में हां मिलाना पसंद करते हैं या वो ज्यादा आपको आसान लगता है? और आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आप लोगों से क्षमा मांग लेते हैं और मामले को वहीं पर रफा दफा करना चाहते हैं? अगर ऐसा है ना दोस्तों, तो आपके अंदर हर व्यक्ति को, संसार के हर व्यक्ति को खुश करने की प्रवृत्ति है और इससे आपके रिलेशन सुधरेंगे नहीं दोस्तों। एक लंबे समय में अगर आप देखोगे तो इससे आपके रिलेशन बहुत खराब होने वाले हैं। और इसलिए जब आपको यस कहना है तब यस कहिएगा और जब ना कहना है तो पूरी दृढ़ता के साथ उसे ना कहना है। वहां पर बार बार अपना डिसीजन आपको चेंज नहीं करना है। पहले अपने मूल्यों को निर्धारित कीजिए और उसके बाद सामने वाले को क्या जवाब देना है यह तय करें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो सुविचारी जोखिम लेने से कभी नहीं डरते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या अच्छा हो सकता है इसके बजाय ज्यादातर ऊर्जा क्या आप इस पे खर्च कर रहे हो कि क्या बुरा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है? अगर इस पॉइंट पे ज्यादा ऊर्जा आप खर्च कर रहे हो ना तो कभी भी आप सुविचारी जोखिम नहीं ले सकते हैं। और इसलिए तथ्यों के बारे में खुद को शिक्षित कीजिए और जोखिम जो है उसका पूरी तरह से आकलन कीजिए और कंटिन्यूअसली सुविचारी जोखिम लेते रहिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो अतीत में नहीं रहते हैं। दोस्तों अगर आपको अतीत से बाहर आना है तो आपको वर्तमान में ही जीना होगा, क्योंकि अतीत में रहकर हम कभी भी अतीत को सुधार नहीं सकते हैं। हम वर्तमान में रहकर ही अतीत को सुधार सकते हैं, हमारे पास्ट को हम सुधार सकते हैं। वर्तमान में कैसे जीना है आसानी से, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे जरूर देखना। उसमें ऐसे तरीके मैंने आपको बताए, आसान तरीके, जिससे आसानी से आप वर्तमान में रह सकते हैं, वर्तमान में रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट काम है दोस्तों, जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते हैं, वो वही गलतियां बार बार नहीं दोहराते हैं। अगर आप आपकी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और बार बार दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं, बार बार आपकी उंगली सामने वाले की ओर रहती है, तो आप कभी भी गलतियों को नहीं सुधार पाएंगे और सेम गलती बार बार आप करते जाएंगे। और इसलिए जिम्मेदारी लीजिए, आपके हर एक काम की जिम्मेदारी लीजिए, आपकी गलती की जिम्मेदारी लीजिए और क्या बेहतर हो सकता है इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। आप कभी भी वो गलती बार बार नहीं दोहराओगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो दूसरों से कभी नहीं जलते हैं। लेखिका कहती है कि ईर्ष्या का मतलब होता है जो आपके पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए, लेकिन द्वेष का मतलब है जो आपके पास है वो मेरे पास होना चाहिए लेकिन वो आपके पास कभी नहीं होना चाहिए। द्वेष की जो भावना है दोस्तों, वो ईर्ष्या के भावना से भी ज्यादा खतरनाक होती है, और द्वेष की भावना एक क्रोध के भावना के समान ही होती है, और इसलिए हमें कभी भी दूसरों से द्वेष नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सफलता पे उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी दौलत, अपना हौदा और अपने होले की तुलना अपने आसपास के लोगों के साथ कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, तो कभी भी आप द्वेष की भावना से नहीं बच सकते। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो पहली असफलता के बाद कभी हार नहीं मानते हैं। क्या असफलता का विचार आपको तुरंत बेचैन कर देता है? अगर ऐसा है तो हम जिंदगी में कभी भी सफल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि असफलता ये सफलता की प्रक्रिया का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम असफलता से बचते रहेंगे ना, तो हम सफलता से भी बचते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो अकेले रहने से कभी नहीं घबराते हैं। दोस्तों दिन भर आप खुद को जितनी ज्यादा गतिविधियों से भर लोगे ना, उतना ज्यादा रात को हमारा दिमाग समय लेगा शांत होने में। लेकिन दिन में कुछ समय आप शांत रहते हो, मनन करते हो, चिंतन करते हो, मेडिटेशन के लिए समय निकालते हो, तो इससे क्या होगा पता है? आपके अंदर की सृजनात्मकता को चिंगारी मिलेगी और आप भविष्य के लिए बेहतर से बेहतर जो है लक्ष्य बना सकते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग पीपल ये कभी नहीं सोचते हैं कि संसार उनका ऋणी है। दोस्तों देखिए, जब हम नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी संसार चलता ही रहेगा। इसलिए लेखिका कहती है कि आप ये कभी मत सोचे कि संसार को आपका ऋणी रहना चाहिए, लोगों को आपका ऋणी रहना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा लेने के बजाय देने पर लक्ष्य केंद्रित करें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास धैर्य नहीं है ना, तो तुरंत परिणाम अगर आपको नहीं मिला, मनचाहा परिणाम आपको नहीं मिला, तो आप कोशिश करना छोड़ दोगे, और ऐसे ही कोशिश करना छोड़ते रहोगे, यही आदत जिंदगी में लग जाएगी। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि धैर्य, लगन और परिश्रम ये सफलता का अजेय फार्मूला है, ये कभी पराजय नहीं हो सकता। और इसलिए हमें तुरंत सफलता नहीं मिली तो हमें तुरंत बेचैन भी नहीं होना है। दोस्तों 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू, इस किताब में लेखिका ने ये 13 के 13 काम बहुत डिटेल में समझाए हैं। हर एक पॉइंट को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। ये आम लोग ये गलतियां क्यों करते हैं और उनसे बाहर आने के लिए एक्शन प्लान क्या है, वो बहुत डिटेल में इस किताब में उन्होंने समझाया है। इस किताब को पढ़ते वक्त आप कभी भी बोर नहीं होंगे। इस किताब को आप जरूर पढ़ना, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी उसे खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आपको माइंड, बॉडी एंड सोल से संबंधित किताबों की समरी चाहिए, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत शानदार टॉपिक को लेकर, एक बहुत पावरफुल किताब को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।